50 की उम्र में ऋतिक रोशन करेंगे दूसरी शादी, जानिए 11 साल छोटी सबा आज़ाद कब बनेंगी उनकी दुल्हन। 50 साल के हो चुके ऋतिक रोशन इस साल दूसरी शादी करेंगे। जी हाँ, अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो ऋतिक और उनकी गर्लफ्रेंड सबा आज़ाद शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि ऋतिक रोशन और सबा आज़ाद साथ में घर में शिफ्ट होंगे और फिर शादी करेंगे, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि दोनों इसी साल के अंत तक शादी के बंधन में बंध जाएंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पाइसी बीची चैनल पर झलक के साथ, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक एंटरटेनमेंट न्यूज वेबसाइट की खबर के मुताबिक ऋतिक रोशन की फैमिली ने सबा आज़ाद को स्वीकार कर लिया है। उन्हें लगता है कि सबा ऋतिक के लिए परफेक्ट च्वाइस है। यहाँ तक कि ऋतिक और उनकी पहली पत्नी के बच्चे अहान और रिदान ने भी सबा को खुली बाहों से स्वीकार किया है। इसी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि जहां ऋतिक और सबा ने एक दूसरे के साथ दुनिया बसाने का मन बना लिया है, वहीं इन्हें किसी तरह की जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि फिलहाल वो अपने वर्क कमिटमेंट को पूरा करने में बिजी हैं। और ऋतिक और सबा शादी की छोटी सी सेरेमनी की प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि इसी साल के अंत तक संभव है। सेरेमनी में दो पक्ष के चुनिंदा दोस्त और फैमिली मेंबर्स ही शामिल होंगे। शादी के बाद का पल छुट्टियों पर रहेगा और लंबे वैकेशन पर जाएगा। ऋतिक और सबा के रिलेशनशिप की खबर मीडिया में पिछले साल फरवरी में तब शुरू हुई जब दोनों को डिनर डेट पर साथ देखा गया था। बाद में ऋतिक की फैमिली की एक गेट टुगेदर में भी सबा शामिल हुई थी, जब करण जौहर के 50वें जन्मदिन की पार्टी में ऋतिक और सबा हाथों में हार ढालकर पहुंचे तो सभी कयासों पर विराम लग गया था और उनके रिश्ते की लगभग पुष्टि हो गई थी। इसके बाद उन्हें अक्सर साथ देखा जाने लगा। सबा आज़ाद उम्र में ऋतिक रोशन से 11 साल छोटी हैं। पिछले दिनों ऐसी खबर आई थी कि ऋतिक सबा के साथ शिफ्ट होने के लिए दो अपार्टमेंट्स पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च कर रही हैं। 3 फ्लोर में फैल इस डुप्लेक्स का एरिया लगभग 38,000 स्क्वायर फीट बताया जा रहा है। ऋतिक रोशन की पहली शादी इंटीरियर डिजाइनर सुजैन खान से हुई थी। दिसंबर 2000 में हुई ये शादी 2014 में तलाक पर ख़त्म हुई। सुजैन से ऋतिक के दो बच्चे रिहान और रिदान हैं। तलाक के बाद भी ऋतिक और सुजैन आपस में दोस्त हैं और बच्चों की परवरिश पर मिलकर साथ देते हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो ऋतिक रोशन फिलहाल अपकमिंग फिल्म फाइटर की शूटिंग में बिजी हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण भी महत्वपूर्ण रोल में नजर आएंगी। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन पर बन रही ये फिल्म 25 जनवरी 2024 को रिलीज होगी। ऋतिक फाइटर के अलावा अपनी सुपरहीरो फिल्म क्रश के चौथे पार्ट पर भी काम कर रहे हैं। दोस्तों, तो कैसे लगी आपको ये बॉलीवुड की अपकमिंग कपल्स की गुड न्यूज़? तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना आगे भी अपडेट्स लेने के लिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा और स्ट्रे एनिमल्स को फीड कराना, उनकी हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी करती हूँ, आप भी कीजिए। आप चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।